हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, लिटिल टॉक वाला। आपको याद होगा, है ना? दिस योर लिटिल टॉक चैप्टर। ओके, तो इससे पहले की वीडियो में हमने टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? ये टिक द करेक्ट वाले, जिसमें असाइनमेंट नंबर A3 था आपका। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? और ये आपका हो जाएगा असाइनमेंट नंबर 4। ओके, देखो, ये वाला वर्क जो है, टिक द करेक्ट, मैंने आपको बुक में ही करने के लिए दिया था, लेकिन जो A4 है, ये वाला वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है, बी वाला, ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बॉक्स। तो यहाँ पे हिंट बॉक्स दे रखा है, हिंट बॉक्स में क्या क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। THINGS क्या हो गया? थिंग्स। THINGS क्या हो गया? थिंग्स। GRASS ग्रास। GRASS क्या हो गया? ग्रास। TALK टॉक। TALK क्या हो गया? टॉक। JUNGLES जंगल्स क्या हो गया? जंगल्स, ठीक है? आगे देखो, द पोइटेस, पोइटेस मैंने बताया था, है ना, इससे पहले की वीडियो में था। कवित्री यानी वो लड़की या वो औरत जिसने ये पोइम लिखी है, उसने, द पोइटेस थिंक्स, पोइटेस सोचती है, अबाउट द डेस ऑफ द बीटल्स, बग्स एंड बीज, ठीक है? क्या सोचती है? द पोइटेस थिंक्स अबाउट द टॉक, मतलब जो बातचीत आप कर वो करते हैं, ठीक है? ओके, फिर से पढ़ते हैं, चलो इसको, है ना। द पोइटेस थिंक्स अबाउट द जंगल्स ऑफ बीटल्स, बग्स एंड बीज, मतलब बीटल्स, बग्स और बीज जहाँ पे रहते हैं उनके जंगल के बारे में वो सोचती है। तो क्या आएगा इसमें? जंगल, JUNGLES जंगल्स, ठीक है? आगे देखो, द बीटल्स बग्स एंड बीज यानी बीटल्स, बग्स और बीज टॉक, बातचीत करते हैं, अबाउट द लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों के बारे में, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आगे देखो, द बीटल्स बग्स एंड बीज लिव इन, रहते हैं इन द टॉल ग्रास जंगल्स, लंबी लंबी घास के जंगलों में, ठीक है? ग्रास जंगल्स, ठीक है? आगे देखो, द पोइटेस सेज, पोइटेस कहती है, वी विल नेवर नो, हम कभी नहीं जान पाएंगे, वी विल नेवर नो, हम कभी नहीं जान पाएंगे, इफ बग्स टॉक, अगर बग्स जो हैं बातचीत करते हैं, वेरी मच, वो अगर बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो उसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे कान बहुत बड़े हैं उनकी बातें सुनने के लिए, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गई, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो हम एंड करते हैं। ये थोड़ा सा होमवर्क है, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।